में मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात मंसूख करने का फैसला, अपर्चे नहीं होंगे, तलबा को प्रमोट किया जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस 31 मई तक, यकम जून से 9 अगस्त तक तातीलात। पंजाब यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर के हतमी इम्तिहानात 26 अगस्त से 6 सितंबर के दौरान होंगे। दुनिया भर में कोरोना केसेस में कमी, मुख्तलिफ ममालिक में स्कूल्स खुलने लगे। चीन, वियतनाम, यूरोप, अमेरिका और कनाडा में बच्चों ने स्कूल्स का रुख कर लिया। कौन सा लॉकडाउन, कैसा लॉकडाउन, एसओपीज क्या होती हैं? स्मार्ट लॉकडाउन की पाबंदियां आजादी में बदल गईं। शहरियों की खिलाफ वर्जी पर अमल दरामद कौन कराएगा, बड़ा सवाल। कराची में भी एसओपीज के नाम पर मजाक किया गया। मरकजी मार्केट्स को ताले, मॉल्स और प्लाजे बंद। स्मार्ट लॉकडाउन की तजावीज भी किसी खाते में नहीं, लेकिन जिम्मेदार कौन? लॉकडाउन की एसओपीज पर अमल ना हुआ, शहर के शहर बंद। कम्युनिकी और वजीराबाद में मार्केटें सील। हाफिजाबाद खतरनाक शहरों में शामिल। इंतजामिया की कार्रवाइयां क्या रंग लाएंगी, कौम मुंतजर। कोरोना वायरस के हेल्थ केयर वर्कर्स पर जानलेवा हमले, 77 नए केसेस। मुतासिरा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद 989 तक पहुंच गई। मसीहाओं का कौन सोचेगा। केपी में डॉक्टर्स वायरस का शिकार, मजीद 11 में कोरोना की तस्दीक। मजमुई तादाद 160 हो गई। मरीजों को बचाने वालों को कौन बचाएगा? कम से कम इस इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने वाले हेल्थ वर्कर्स को, डॉक्टर्स की तनख्वाहों को इस मामले में कम से कम डबल किया जाए। फ्रंटलाइन पर काम करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेज की तनख्वाह डबल और पाक फौज की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जाए। बैरिस्टर मोहम्मद अली खान सैफ का मुतालिबा। दुबई में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स के लिए गोल्डन वीजा, 10 साल के कयाम की इजाजत। मजीद 10 साल के लिए तौसी भी हो पाएगी। कौमी सियासतदान कोरोना से लड़ते लड़ते आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां। कोरोना खुश, आवाम परेशान, अब वायरस से कौन लड़ेगा? सबसे बड़ा अहदेदार तो वजीर आजम ही होता है ना मुल्क का। उस जो जितना बड़ा है उतना ज्यादा उसकी जिम्मेदारी है। तो हमें यह देखना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मुशाहिद अल्लाह खान हुकूमत पर खूब बरसे, बोले सेहत की पॉलिसी बनानी है और वजीर सेहत ही नहीं, वजारत सेहत वजीर आजम ने अपने पास रखी है। हमने इस पे कोई सियासत नहीं की, हम सियासत नहीं करना चाहते हैं इसमें। हम बल्कि अपोजिशन से हाथ जोड़ के कहते हैं कि इसको आप सियासत में न उलझाएं। वजीर इत्तला शिबली फराज ने अपोजिशन के सामने हाथ जोड़ दिए, कहा गुरबत बेहतर पॉलिसी अपनाई, हाथ जोड़कर कहता हूं सियासत न करें, मुस्बत तजावीज दें। सूबाई वजीर फयासुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में न फेस मास्क, न हैंड सैनिटाइजर्स और न ही सोशल डिस्टेंसिंग। हुकूमती वजीर ने एसओपीज के साथ साथ इखलाकियात की भी धज्जियां उड़ा दी। पाकिस्तान में हालात जैसे भी हो, खाना पीना कम नहीं होता। मुल्क में 4.5 अरब डॉलर की खुराक दरामद, दीगर दरामदात में नुमाया कमी हुई। नीके की टुकड़ी के बहुत अच्छे है भाई, लोग जब रोटी के दो रुपये जब बच जाता है हम लोग वो टुकड़ी में डालते हैं। जिसके पास पैसे नहीं होते रोटी के, मैं उस लोगों को रोटी देता हूँ। सच टीवी वाले जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन्होंने हर जगह पर तंदूर पर टोकरियाँ लगाई हुई हैं। नेकी की टोकरी सच टीवी की काविश, लेकिन नकाल और चोर भी आ गए। टोकरी की तस्वीर पर जाती तशहीर का धंधा, टोकरी चुराने की भी कोशिश।
जापान में कोरोना के मरीजों में नुमाया कमी, करोड़ों की आबादी सिर्फ 16,000 के लगभग मुतासिर। जापानी वजीर आजम ने इमरजेंसी उठाने का ऐलान कर दिया। फिलिपाइन का वस्ती हिस्सा समंदरी तूफान की जद में आ गया। कोरोना के सताए घरों में महसूर अफराद नकल मकानी पर मजबूर। पनाह गुजीनों के लिए मास्क जरूरी। वक्त के साथ दुनिया HIV से बचाव के तरीके सीख गए। उम्मीद है वक्त के साथ कोरोना का मुकाबला भी मुमकिन होगा। आलमी इदारे सेहत पर उम्मीद। अगली मोहलिक वबा अमेज़न के बारानी जंगलात से जन्म ले सकती है, माहिरीन ने खबरदार कर दिया। डेविड लापोला के मुताबिक अमेज़न जंगलात में कई वायरस छुपे बैठे हैं। साबिक कप्तान सरफराज अहमद जूनियर्स की कैटेगरीज में शाखी नाला कामयाब। कप्तान से मुतालिक PCB का फैसला खतरनाक करार दे दिया। सरफराज अहमद हमारी मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी का हिस्सा हैं। चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक कहते हैं तजर्बेकार विकेट कीपर अच्छी फॉर्म के साथ कमबैक कर सकते हैं। कोरिया कोरोना को खातिर में न लाया। जनूबी कोरिया में बेसबॉल लीग के सालाना मुकाबलों का मेला सच गया। कोरोना वायरस जाए भाड़ में, अब कोरोना हेयर स्टाइल अपनाया जाएगा। कीनिया के ब्यूटी पार्लर्स में कोरोना हेयर स्टाइल की मकबूलियत में इजाफा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में घने बादल और बारिश का जोर रहा। माहौल बदल गया। मौसम का हाल बताने वालों ने मजीद बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे। इकबाल मंडी में पानी की सतह 8 फीट हो गई। अलर्ट जारी। श्रीनगर बारामूला और लद्दाख में दिन के वक्त पारा कदरे हाई रहा, रात में ठंड होगी। सब्जा पहाड़ सहरगाहें इस्लामाबाद फितरती हुस्न का शाहकार और दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत। बदलते रुत और बूंदे शहर की खूबसूरती को चार।